बाउड़ी ब्लॉक में कार्यरत 109 आशा सहयोगियों ने आज विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए CDPO व तहसीलदार को ज्ञापन सौंप कर कार्य बहिष्कार करने का निर्णय लिया। ज्ञापन के दौरान बताया कि बाउड़ी ब्लॉक की समस्त आशा सहयोगियों कार्यरत है, उन्हें मानदेय कम श्रेणी में रखा जाता है और बहुत कम मानदेय दिया जाता है। इसी के साथ ही लंबे समय तक कार्य के बावजूद भी अभी तक उन्हें नियमित नहीं किया गया, इसको लेकर के पिछले कई दिनों से जयपुर में धरना चल रहा है। इसी का समर्थन करते हुए गुरुवार को बावड़ी ब्लॉक की 109 आशा सहयोगियों ने कार्य का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक उनका कार्य बहिष्कार रहेगा। आशा सहयोगनी बावड़ी ब्लॉक की अध्यक्ष पिंटू कंवर ने बताया कि हमारी मांगे हैं कि जो हमारा मानदेय है वर्तमान में 2700 रुपए, जिसको बढ़ाकर 18000 रुपए किए जाए, आशाओं को स्थायी कर्मचारी बनाया जाए, किसी एक विभाग से जोड़ा जाए, एक मुफ्त भुगतान किया जाए, वे आशाओं को कोई भी कार्य हेतु आदेश प्रति दी जाए। ज्ञापन के दौरान उमराव कंवर, लीला देवी, सुवा देवी, उलासी देवी, सरोज, सुनीता, नैनी कंवर, कप्पू देवी सहित समस्त आशा सहयोगिनियां उपस्थित रही। हम बावड़ ब्लॉक की सभी आशा यहाँ बावड़ी मौजूद है। हमने जोधपुर भी कई बार धरने दिए और कई बार जयपुर भी गए, लेकिन सरकार ने हमारी कोई मांगों पर विचार नहीं किया। और हम राजस्थान की सभी आशा बहनें अब एकत्रित हुई और एकता के साथ खड़ी हैं। अब हम कोई पीछे कदम नहीं हटाएंगे और हम ममता भूपेश के सामने हम डट कर अड़ी हैं। हमारी मांगे यही है कि हमारा मानदेय कम से कम 18000 किया जाए और हमें एक ही विभाग में मतलब किया जाए। और हमें हर कोई भी कार्य, कभी पंचायत से, कभी अस्पताल से और कभी ICDS से, हमें कभी हर बार काम दिया जाता है, लेकिन हमें उसके आदेश प्राप्ति नहीं होती है। जब भी चाहे कभी रात हो चाहे दिन हो, हमें हर वक्त काम ही काम दिया जाता है। कभी हमारे मानदेय पर विचार नहीं किया है, लेकिन अब हम रुकेंगे नहीं, अब झुकेंगे नहीं। हम सभी बहनों ने एकता के साथ इकट्ठी हो गई है। अब हम हमारा मानदेय सरकार को किसी भी तरह मनवा के छोड़ेंगे।